हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे और संस्कृत ग्रामर में लट लकार पढ़ेंगे। लट लकार का प्रथम पुरुष, ये क्लास 6 to 8 तीनों के लिए है। तीनों बच्चे इसको देख के जो होमवर्क मैं दूंगी वो बनाना है आपको। इससे पहले आपने धातु परिचय पढ़ा। धातु मीन्स क्रिया कहते हैं संस्कृत में, और सर्वनाम का भी आपको पढ़ाई हो चुका है, तो अभी दोनों का यूज इसमें होगा, ठीक है। धातु भी आप लोगों ने प्रथम पुरुष वाला फॉर्म में पढ़ा था, रूप में पढ़ा था, ती तहा अंति, याद आया? कुछ भी धातु रहेगा मीन्स कुछ भी क्रिया रहेगा, उसमें बस ती तहा अंति लगाना है, ठीक है। रिवीजन आपको, और जैसा कि आपको मालूम है कि संस्कृत में काल या टेंस को लकार कहते हैं तथा लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? लट लकार वर्तमान, यहाँ लट मीन्स वर्तमान, लकार मीन्स काल, तो जब दोनों को मिला देंगे लट लकार होगा, इसका मतलब हो जाएगा वर्तमान काल, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि प्रथम पुरुष के कर्ता मीन्स जो करने वाला है, जो यहाँ प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन है, याद रखिएगा। तीन पुरुष है ना, प्रथम, मध्यम और अन्य उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, जो कि होता है थर्ड पर्सन, जैसे कि वे दोनों, वे सब, सा, तो, ते, ठीक है। मध्यम पुरुष, जैसे मैं तुमसे बात करूँ, तुम दोनों, ये सब। और उत्तम यानी कि जब मैं अपने बारे में बात करते हैं, जब अपने बारे में बात करती हूँ या अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो होता है उत्तम। तो यहाँ प्रथम पुरुष मीन्स होगा थर्ड पर्सन, ये याद रखिएगा आप लोग कि प्रथम मीन्स थर्ड, मध्यम मीन्स सेकेंड और उत्तम मीन्स फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तब जैसा कि आप लोग को पता है कि काल को लकार कहते हैं और लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान रखने की बात है कि प्रथम पुरुष के कर्ता मतलब जो करने वाला है, यहाँ थर्ड पर्सन में जो भी करने वाला होता है, जो काम करता है, उसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा और उसमें लिंग से कुछ मतलब नहीं होगा। वो स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे, नपुंसक लिंग रहे, सब में ती तहा अंति ही आएगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग ग्रामर देख लेते हैं, रिविजन, ठीक है। देखिए, ये धातु परिचय आपने पढ़ा था, प्रथम पुरुष के बारे में। अभी हम लोगों ने प्रथम पुरुष पे ही दे रहे, धीरे धीरे हम मध्यम पुरुष जाएंगे, फिर उत्तम में जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष ती तहा अंति, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पठती पठता पठंती, हसती हसतः हसंती, ती तहा अंति, ठीक है। और सर्वनाम भी याद होगा आप लोग को अभी, क्योंकि हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं लट लकार, तो हम लोग बस सा, तो, ते के बारे में याद रिवाइज करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, प्रथम विभक्ति सबका देखना है। पुल्लिंग में सा मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। स्त्रीलिंग में सा मीन्स वह लड़की, ते वे दो लड़कियां, तहा वे सब लड़कियां। नपुंसक में तत् वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। तब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम पुरुष कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। सा, हम लोगों ने पढ़ा था, सा मीन्स वा होता है पुल्लिंग। तो में अकार, ता में अकार की मात्रा, वे दोनों हो जाएगा पुल्लिंग का ही, और वे सब का ते हो जाएगा। सा गच्छति, यहाँ सेम है फॉर्म, ती तहा अंति, तो गच्छता गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में सा हो जाएगा वह का, वह लड़की जाती है, गच्छति, वे दोनों लड़कियां जाती हैं, गच्छता। और तहा मीन्स वे सब लड़कियां जाती है, गच्छन्ति। वैसे ही तत् मीन्स वह, मित्रम, यहाँ नपुंसक लिंग है मित्र को, क्योंकि वो अभी हम नहीं जान रहे हैं कि उसका
क्या है, वो लड़का दोस्त ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो नपुंसक में आ जाएगा। मित्र दोनों के लिए यूज होता है इसीलिए। तत् मित्रम गच्छति, ते मीन्स वे दोनों मित्र, गच्छता तानी मित्रानी गच्छन्ति। यहाँ पर देखिए लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ता के रूप को लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रथम पुरुष में जैसा कर्ता रहेगा वैसा ही क्रिया। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष का रूप में उदाहरण देख लेते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि लिंग बदलने से क्रिया के रूप में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ती तहा अंति तीनों लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए, तीनों के लिए यूज होगा। सा क्रीडन्ति, वह खेलता है। तो लिखता, वह लिखता है। वे दोनों लिखते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। सा गजा चलती, वह हाथी चलता है। तो अश्वो धावता, वे दो घोड़े दौड़ते हैं। ते बालका खादन्ति, वे सब बालक खाते हैं। सा स्मरति, वह पढ़ती है। ते स्मरता, वे दोनों पढ़ती हैं। ता धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। सा पीका कूजती, वो कोयल बोलती है या गाती है। तो खगो कूजता, वे दोनों पंछी बोल रहे हैं। ते पीका कूजन्ति, ये सब कोयल गा रही हैं। तत् यहाँ पर देखिए सा पुल्लिंग के लिए, तो भी पुल्लिंग के लिए, ते क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो ते होगा, ठीक है। सा यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए एक वचन के लिए यूज हुआ है वही यूज करना है, जो सर्वनाम स्त्रीलिंग दो वचन के लिए यूज हुआ है वो करना है। स्त्रीलिंग बस यहाँ सर्वनाम में ध्यान रखना है, बाकी क्रिया तो आपका सेम रहेगा तीनों लिंग में। तत् क्योंकि ये नपुंसक है तो तत् यूज होगा। तत् पुष्पम विकसति, वह पुष्प विकसित यानी खिलता है। ते कमले विकसता, वे दो कमल खिलते हैं। तानी कमलानी विकसन्ति, वे सब कमल खिल रहे हैं, खिलते हैं। सा स्त्रीलिंग के लिए सा एक वचन। सा बालिका नृत्यति, वह बालक नाचती है, वह बालिका नाचती है। ते कन्या नृत्यता, ते दो के लिए ते, वे कन्याएं, वे दो कन्याएं नाच रही हैं। ता कन्याः नृत्यन्ति, वे सब कन्याएं नाचती हैं। सा बाला नमन्ति, वह बालक नमस्कार कर रहा है। तो बालका नमन्ति नमता, ते बाला नमन्ति, वे सब बालक नमस्कार कर रहे हैं। देखिए ये तो एग्जाम्पल था, अब कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नई धातुएं, कुज चहचहाना, विकस खिलना, नृत्य का मैंने आपको कहा था दो क्रियाएं होते हैं धातु, परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय। जिसका धातु परिवर्तन हो जाता है उसको परिवर्तनीय कहते हैं, जिसमें नहीं होता अपरिवर्तनीय, तो ये परिवर्तनीय वाला है। नृत्य नृत्य, स्मृति स्मरण, याद करना ये सब शब्दार्थ है, ये आपको कॉपी में लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर से ही मैं वीडियो में ही आपको सारा एक्सरसाइज दे देती हूँ, वहाँ से आपको बनाना है। छात्रों दो छात्र, अश्वो दो घोड़े, खगो दो पंछी, पीका एक कोयल, बहुवचन। कन्या दो लड़कियाँ, नृत्यता दो लड़की डांस करती हैं। नमंती सब नमस्कार करते हैं। तहा है अंति है, याद रखिएगा। धावंती सब दौड़ते हैं, ये एक वचन है, खेलता है। स्मरति याद करता है। विकसंती सब खेलता है। अंति है मतलब बहुवचन, तहा द्विवचन, और सिंपल अति एक वचन। पतंती सब गिरते हैं, ये उसको उतार लीजिएगा। और यहाँ पर निम्नलिखित वाक्याना बहु वचन रूपानी लिखता, इनमें बहुवचन को बदलना है। मित्रे हसता, ठीक है, इसको आपको बहुवचन में चेंज करना है, तो इजी है। मित्रानी हसंती ऐसे लिखेंगे आप लोग, मित्रानी
हसंती, बालिका नृत्यती, बालिका इसमें विसर्ग लग जाएगा, नित्यंती, खगो कूजता, खगा कूजंती। इस तरह आपको उसको बहुवचन में फॉर्म करना है। ये सब कोई एक वचन है, कोई द्विवचन है, उसको आपको बहुवचन में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब यहाँ शुद्ध कृत पद्य इति चिन्ह चिन्हित कृता, जो शुद्धकर्ता पद पर चिन्ह निशान टिक का निशान लगाना है। जैसे विकसत्ता, ये एक वचन है, तब यहाँ पुष्पे होगा, इसमें ऐसे टिक लगा दीजिएगा। ये बहुवचन का है, तब कौन सा होगा, छात्रा, इसमें टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन आप लोग क्लिक कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। रूपानी लिखता, यहाँ पर वही आपको करना है, खाद का खादंती, खादता, खादंती। तीता अंति, क्योंकि ये दूसरा रूप है। देखिए, पश्य पश्यति, पश्यतः, पश्यंती, पठति, पठ्यता, पठंती। क्लियर है, ये क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। शुद्ध धातु रूपानी इति चिन्ह चिन्ह कुरुता, शुद्ध धातु रूप पर सही का निशान लगाए। कन्या, ये द्विवचन वाला है, तो कौन सा होगा, द्विवचन में कौन सा आएगा, ये वाला, तहा। फलानी, ये किस में आ जाएगा, आप लोग उसमें टिक कीजिएगा। ठीक है, फलानी आपका ये है, बहुवचन हो जाएगा, तब यहाँ पर बहुवचन में ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारा क्लिक करना है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज, ये आपको ठीक से ओके मैं कर दे रही हूँ ताकि आप ठीक से कर सकें। सारा एक्सरसाइज आपको वीडियो में पॉज करके, थोड़ा सा वीडियो रोक के आप उसमें से लिख सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है अच्छे से, गुड। अब आप सब एक्सरसाइज बना करके दिखाएं, ओके?